आज सरिता किचन में न्यूट्रीला मसाला बन रहा है। दोस्तों, न्यूट्रीला मसाला कैसे बनाया जाता है आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूट्रीला मसाला बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए हम 100 ग्राम न्यूट्रीला लिए हैं। इसको हम गर्म पानी में उबालेंगे। देखिए दोस्तों, पानी गर्म होने के लिए हम चढ़ा दिए हैं। पानी गर्म हो गया, इसमें हम न्यूट्रीला को डालेंगे। इसे हम 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीला मसाला बनाने के लिए हम 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं। आप अगर लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 पोट लहसुन और 1 इंच अदरक लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं। प्याज को हम महीन महीन काट लिए हैं, हाथों की सहायता से इस तरह से मसल लिए हैं। दोस्तों, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे और ये सारे मसाले को हम एक साथ पीस लेंगे। और देखिए, दही भी लिए दोस्तों और कुछ पिसा हुआ मसाला का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीला में उबाल आ गया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक दे रहे हैं। नमक डालने से दोस्तों न्यूट्रीला अच्छी तरह से नमक ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए से हम लो मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। न्यूट्रीला बनाने का तो तरीका बहुत है, लेकिन दोस्तों एक बार मेरे तरीका से आप न्यूट्रीला बनाइएगा। और आप मेरे वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा कि हम कैसे न्यूट्रीला बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गया, न्यूट्रीला अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और न्यूट्रीला को हम छान लेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीला को हम छान लिए हैं और न्यूट्रीला को हम ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, जब तक न्यूट्रीला ठंडा हो रहा है तब तक हम प्याज को फ्राई कर ले रहे हैं। इसके लिए हम देखिए रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है और गैस के फ्लेम को हम हाई रखेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम इन मसालों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे दोस्तों तो प्याज कड़वा हो जाएगा। इसे हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज को तलकर तेल बचा हुआ उसी में हम जीरा, दालचीनी, लौंग और तेजपत्ता का फ़ोरन डालेंगे। देखिए दोस्तों, फ़ोरन जल गया है। इसमें हम टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट को हम डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो बिना इसके भी आप बना सकते हैं। देखिए, 1 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग न होने लग जाए। देखिए दोस्तों, प्याज ठंडा हो गया है, इसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूट्रीला ठंडा हो गया है। इसे हम हाथों की सहायता से इस तरह से हम इसका पानी को निचोड़ लेंगे। दोस्तों, हम पानी इसलिए निचोड़ रहे हैं कि अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे ना तो ये रस को ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा। इसी तरह से हम सारे न्यूट्रीला को हम पानी को निचोड़ लेंगे।
देखिए दोस्तों मसाला फ्राई हो गया है, मसाला से तेल अलग होने लग गया है। अब हम इसमें गैस के फ्लेम को लो करके इसमें दही डालेंगे और इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि दही फट भी सकता है। इसके लिए हम एक मिनट के लिए मसाला के साथ दही को मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों मसाला में दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और मसाला भी भुना गया है। अब हम इसमें न्यूट्रेला को डाल दे रहे हैं। हम जो फ्राई प्याज को हम पीसे हैं इसे भी हम डाल दे रहे हैं। ऐसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गया, न्यूट्रेला भी मसाला के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए दोस्तों 1/4 चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हम ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। दोस्तों क्या आप मेरे तरीके से कभी न्यूट्रेला बनाए हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए इसे हम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ग्रेवी में न्यूट्रेला को पकाते हुए 5 मिनट हो गया है। देखिए दोस्तों ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। दोस्तों आप भी मेरे बताए तरीके से एक बार न्यूट्रेला मसाला बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कमेंट भी करिएगा दोस्तों कि मेरे द्वारा बताया गया रेसिपी कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।